Thank you कारगिल की जंग और लापता मगर शहीद तस्लीम किए गए अहलकार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग मई से जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके कारगिल और इससे मुतसिल बर्फानी चोटियों पर लड़ी गई इस जंग में होने वाली हलाकतों के दुरुस्त तादादोशुमार नहीं तहम इंडिया में पाँच सौ से ज्यादा फौजियों की हलाकत हुई और पाकिस्तान में ये तादाद तीन सौ से पाँच सौ के दरमियान बताई जाती है उन्नीस सौ निन्यानवे की कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है लेकिन इस जंग का एक ऐसा इंसानी पहलू ऐसा भी है जो ज्यादा तवज्जो का मरकज नहीं रहा तेईस साल बाद ऐसे खानदान आज भी मौजूद हैं जो महाज पर जाने वाले अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी मौत की खबर तो आ गई मगर वो खुद हज़ारों फिट की बुलंदी पर बर्फ़ की चादर तले न जाने किन मकामात पर दफन हो गए ख्याल रहे कि इन फौजी अहलकारों की दुरुस्त तादाद से शुमार पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं इस हवाले से इंटरनेट पर मौजूद एक फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के पच्चीस अफसरान कारगिल की जंग के दौरान शहीद हुए जिनमें चार अफसरान को मिसिंग बिलूविट क्लिट यानी वो जो लापता हैं मगर उन्हें शहीद तस्वुर किया जाए इन में बनियाल सेक्टर में कैप्टन अहसन वसीम सदिक शिविक सब सेक्टर में कैप्टन तैमूर मलिक बनियाल सेक्टर में ही मेजर अब्दुल वहाब और टाइगर हिल्स पर मेजर अरशद हाशिम शामिल हैं इनमें से कैप्टन तैमूर मलिक की मैयत बाद पाकिस्तान पहुंची। ताहम इस फहरिस्त में कैप्टन अमार हुसैन और कैप्टन फरत हसीब हैदर के नाम भी शामिल हैं और इन फौजी अहलकारों की मैयतें क्यों नहीं लाई गई और इनके अहल खाना पर क्या बीती इस बारे में मुतद खानदानों और उस वक्त पाकिस्तानी फौज में तयनत और ऑपरेशन कोह पीमा यानी कारगिल जंग का बर हिस्सा रहने वाले सबक फ़ौजी अफसरान से बात की गई है आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो यकीनन सुना ही होगा जिनकी कारगिल जंग के दौरान बहादुरी की तारीफ खुद इंडियन फौज ने भी की इन्हें पाकिस्तान का अला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर भी दिया गया लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान की जिंदगी के इस आखिरी ऑपरेशन में उनके साथ एक और अफसर भी शरीक थे जो वापस नहीं आ सके ये कैप्टन हुसैन थे जिनके नाम पर रावलपिंडी में चकलाला गेरिजन के सामने अम्मा शहीद चौक बनाया गया है गुमान है कि कैप्टन अमार हुसैन टाइगर हिल्स पर ही दफन है कैप्टन अमार के घर में दाखिल हों तो ड्राइंग रूम में उन्हीं की तस्वीर और मेडल्स नजर आते हैं इनकी वालदा कभी अपने बेटे से होने वाली आखिरी मुलाकात कभी दुरान जंग उनकी बहादुरी के किस्से और फिर सबक फौजी सदर जनरल रिटायर परवेज मुशरफ के वो वादे याद करती हैं जिनकी तकमील नहीं हो सकी कैप्टन अमार हुसैन 14 जून उन्नीस को आखिरी बार अपनी वालदा से मिलने आए थे उनकी वालदा का कहना है की वो रात मेरे लिए सकून की आखिरी रात थी मुझे कहा कि अम्मी लेटें मैं टांगे दबाऊं वो हमेशा मेरी टांगे दबाता था नीचे बैठता था जब 15 जून को कॉल आई तो मैं परेशान हो गई मैंने कहा तुम क्यों ट्रैक बदल रहे हो इतनी अच्छी यूनिट छोड़कर तुम एसएसजी में आ गए हो वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठा और मुझे कहा कि तो फिर अम्मी मुझे क्यों फ़ौज में भेजा था पंद्रह जून को कैप्टन अमार हुसैन की तातीलत मअल कर दी गई और उन्हें वापस बुला लिया गया उनकी वालदा बताती हैं कि इस रात अम्बार ने मेरे साथ बैठ कर सारी चेक बुक्स पर साइन की है उस वक्त मेरी आँखों में आंसू आ गए मैंने कभी अपनी कमजोरी बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी थी आंसू देखकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अम्मी आप तो बड़ी बहादुर हैं फिर मेरे सामने बैठकर मेरे घुटनों पर हाथ रखा और कहा अम्मी आपने फिर मुझे क्यों फौज में भेजा था मुझे किसी दुकान पर बिठा देती कैप्टन अमार पहले गिलगित के करीब नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिटर बोंजी पहुँचे जहाँ से उनको स्टोर के रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक्या गिलतरी के मकाम पर रवाना कर दिया गया गिलतरी में उनकी मुलाकात 12 एन एल के कमांडिंग अफसर कर्नल खालिद नज़ीर से हुई जो बादजा बतौर ब्रिगेडियर फौज से रिटायर हुए उनकी आखिरी मंजिल टाइगर हिल्स थी जहां वो 25 जून को पहुंच गए कैप्टन अमार हुसैन को यहां कैप्टन कर्नल शेर खान मिले जो उनके दोस्त थे दोनों पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक ही कोर्स के साथी थे और एक ही कमरे में भी रह चुके थे टाइगर हिल्स पर कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन के इंडियन फौजियों के साथ मार्के की तस्दीक उनकी वालदा के अलावा उस वक्त के ब्रिगेड कमांडर ने भी की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानी फौजियों ने तीन दिफाई लाइनें बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर वन टू नाइन ए बी और सी दिया गया था इंडियन फौजी एक बी पर इसी दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे यहाँ टाइगर हिल्स की चोटी पर सबसे बड़ी और अहम चौकी पर मेजर अरशद समेत 23 फौजी अहलकार मौजूद थे जब इंडियन फौज ने एक बी पर कब्जा किया तो कैप्टन कर्नल शेर और मेजर अरशद की चौकी के दरमियान दिफाई लाइन खत्म हो गई कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन ने मेजर अरशद समेत दीगर साथियों को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन करना था चार जुलाई को कैप्टन शेर खान अपने दोस्त कैप्टन अमार से आ मिले दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया कर्नल रिटायर्ड इशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की सुबह पाँच बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन अमार के साथ हमले पर निकल गए इस बारे में कैप्टन अमार की वालदा बताती हैं कि उन्हें उस वक्त चौकी पर मौजूद लेफ्टिनेंट इकबाल और करीबी पोस्टों पर मौजूद फौजी स्नाइपर्स ने इन अल्फाज में उस दिन का अहवाल सुनाया लेफ्टिनेंट इकबाल ने मुझे बताया कि अमार सारी रात जागते रहे और मनसूबा बंदी करते रहे पर्चियां लिखते और फाड़ते शेर खान रात मोर्चे पर पहुंचे। कैप्टन अमार ने तहजुद की नमाज अदा की और फिर वो निकल गए उन्होंने पोस्ट के इर्द गिर्द इंडिया की ब्लॉकिंग पोजीशन को तबाह किया और वापस आ गए जब वापस पहुंचे तो सुबह हो गई थी और इंडियन आर्मी की गोला बारी और फजाई हमला शुरू हो गया था अमार वापिस आए और कहा कि शेर खान उठो बहुत देर हो गई है कैप्टन शेर खान कहने लगे पहले नमाज पढ़ लें तो अमार ने कहा कि नहीं नमाज ऊपर पढ़ेंगे एक सूबेदार ने कहा सर अब तो रोशनी हो गई है तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने कहा कि बुजदिलों वाली बातें करते हो उनके हमरा सात या आठ जवान भी मौजूद थे इसके बाद जब वो लड़ने निकले तो शहीद होते गए आखिर में शेर खान और अमार बच गए वहाँ एक चोटी थी और दोनों इससे आगे आ गए वहाँ इंडियन कैंप था हाथ उठा लेते तो बच जाते मगर उन्होंने हथियार नहीं डाले दोनों स्नाइपर्स की गोलियों से शहीद हुए अमार को सर सीने और टांग पर गोली लगी और फिर वो गिर गए इस कार्रवाई के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान की मैयत तो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई ताहम कैप्टन अम्मार और दीगर साथियों को इंडियन फौज ने टाइगर हिल्स पर ही दफन कर दिया जंग खत्म होने के बाद इंडियन फौज ने कौमी और बैन अवी मीडिया के नुमाइंदों को इलाके का दौरा कराया और एक मकाम पर पाकिस्तानी परचम में लिपटी मैयतों की नमाज जनाजा और तदफीन होते हुए दिखाई ये वो खबर थी जिससे कैप्टन अम्मार की वालदा के दिल को कुछ तसली मिली जो मुसलसल यही चाहती थी की उनके बेटे की मैयत वापिस लाई जाए वो बताती है की सबक सदर जनरल परवेज मुशरफ ने उनसे वादा भी किया था वो, वापिस लाएंगे। वो याद करती रही मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कुछ साल बाद एस एस जी की री यूनियन में वो मिले तो मैंने कहा आप तो वादा करके गए थे मगर उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया वो बताती हैं कि उनके शोहर ने जो खुद भी पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें कहा कि कैप्टन अमार जानते थे वो कहाँ जा रहे हैं उस वक्त हमने इंटरनेट पर देखा कि इंडिया ने मैतें क्लेम करने की सूरत में उन्हें वारिसों के हवाले करने का ऐलान किया है मैं बहुत रोई पीटी के मेजर साहब उनकी मैतें लें मगर उन्होंने कहा कि नहीं अमार की कुर्बानी ज़ाया ना करो उसे सब पता था वो सारी कश्तियाँ जला कर गया था बस अल्लाह के हवाले कर दो कुछ अरसा तो इस उम्मीद पर गुजारे कि बच्चे वापिस आएंगे। मुशर्रफ़ ने वादा किया था कि वापिस लेंगे मगर नहीं हुआ तो मैं थक हार कर बैठ गई कैप्टन अमार की वालदा कहती हैं कि फ़ौज की जानब से उनका बहुत ख्याल रखा गया और कैप्टन अमार को उनकी बहादरी के बदले सितारा जुरत भी दिया गया पाकिस्तानी फौज में शहदा पैकेज के जरिए किसी भी महाज पर जान गंवाने वाले अफसरान और जवानों के अहल खाना की कफालत का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा मगर अब यकीन नहीं कि वो वापस आएगा वो खुदा के पास चला गया फिर फ़ौज ने मेरा बहुत ख्याल रखा अमार की यूनिट वाले और उनके कोर्स मेड्स हर फंक्शन पर बुलाते हैं हर खुशी और गमी में हमारे पास आते हैं ऐसा लगता है कि एक अमार गया और मुझे कई अमार मिल गए इसके बावजूद वो एक आम सी माँ हैं जो अपनी औलाद के खो जाने के दुख का इजहार भी ढके छुपे लफ्ज़ों में बार बार करती हैं फ़ौज ने बहुत कुछ किया अमार को सिताराए ज़रूरत मिला ज़मीन भी दी मगर ये पैसे ज़मीन फ्लैट ये घर ये चीज़ें बेटे का नेमुल बदल नहीं हो सकते क्या मैं इन पैसों से अमार को खरीद सकती हूँ